गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो आइए आज जो है हम लोगों को इससे फोन नंबर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। इसमें हम लोग जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या पहचान होता है, इसका रिकॉग्निशन क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है और इसमें जो है स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, किस तरह से इसमें वाक्य होते हैं, किस तरह के वाक्य इसमें आते हैं और उसे कैसे बनाते हैं। तो इन सारी चीजों को, इन सारी बातों को इसमें हम लोग सीखेंगे, जिससे हमें जो है इंग्लिश समझने में, पढ़ने में मदद मिलता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं स्टडी ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है। पहचान के बारे में कहता है कि दिस इन द वाक्य की क्रिया के अंत में जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हुआ रहेगा, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे। दिया रहे तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे बच्चे खेलते हुए रहेंगे, हम लोग सुबह से पढ़ते रहेंगे, वाह जी गाती हुई रहेगी। देखिए इसमें बता दें कि इसमें समय भी आता है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम भी आता है और इसमें भी टाइम के लिए, जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट में बाद में हम लोगों ने टाइम के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से इसमें भी आता है समय। अब देखिए जब समय भी आ रहा है तो ता रहेगा, ती रहेगी, यदि आ जाए हुई हट भी जाए तो यह इसकी पहचान हो जाती है, जब इसमें समय भी आ रहा है तो, ठीक है ना। ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे और इसके साथ समय होना चाहिए। तो टाइम यदि दिया है तो ता रहेगा, ती रहेगी रहना चाहिए, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रहेगा। यदि समय नहीं दिया है तो ते रहेंगे, ते हुए रहेंगे, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, इस तरह के वाक्य आना चाहिए। इसका याद रखिएगा, इसका खास ख्याल रखिएगा पहचान के लिए। अब यहाँ देखिए नीचे समय नहीं दिया है तो वह गीत गाती हुई रहेगी, तो हुई आ गया, हुई रहेगी। अभी जाता है कि वह दो घंटों से गीत गाती रहेगी, तो यहाँ हुई
हट भी सकता है, ये हट जाएगा और गाती रहेगी आ जाएगा, तो भी यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आएगा। समझ में आ गया होगा मेरी बात। तो चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे इस वाक्य को हम लोग बनाएंगे। रू टू ट्रांसलेट, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस साइन या वेन प्लस हैव बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। देखिए यहां पे आपको बता दें कि फॉर का प्रयोग तो पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग करते हैं, अनिश्चित समय में करते हैं जहां समय निर्धारित नहीं हो, और सिंस का प्रयोग हम लोगों ने पास्ट टेंस में प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था, जो कि पॉइंट ऑफ टाइम में किया जाता है जहां समय निर्धारित हो। तो आज जान लीजिए कि जब फ्यूचर टेंस में समय दिया हो और समय निर्धारित हो मतलब पॉइंट ऑफ टाइम हो, तो सिंस के बदले फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, ना कि प्रीपोजिशन सिंस का करेंगे। यहाँ फ्रॉम का प्रयोग होगा, किसके जगह, पॉइंट ऑफ टाइम के जगह पे, सिंस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बनाते हैं इसको। बच्चे खेलते हुए रहेंगे, यहाँ सब्जेक्ट हो गया दी चिल्ड्रेन, इसके बाद वी हो जाएगा क्योंकि साइज अगर फर्स्ट पर्सन में लगता है, चिल्ड्रेन फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो वी होगा। हाई बीन प्लस वी फोर, यहाँ पे प्लेइंग, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं किया है, क्या खेल रहे हैं यहाँ नहीं बताया है, तो सिर्फ प्लेइंग कर देंगे। यहाँ पे समय भी नहीं दिया है तो यहाँ समय को भी छोड़ देंगे, स्टॉप हो गया। तो क्या बना, दी चिल्ड्रेन विल हैव बीन प्लेइंग। नेक्स्ट है हम लोग सुबह से पढ़ते रहेंगे, तो इसमें देखिए वी फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ साइल आ जाएगा, साइल के बाद हैव बीन, हैव बीन उसके बाद से क्या है, पढ़ते रहेंगे तो रीडिंग, इसके बाद क्या है सुबह से। यहां देखिए ये पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, और निश्चित समय के लिए फ्यूचर टेंस में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, तो रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। ओके क्लियर हो रहा है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया, ये थ्री नंबर देख लेते हैं, और गीत गाती हुई है जिसमें टाइम नहीं दिया है, यहां लिख देंगे सी विल, सी विल हैव बीन, सी विल हैव बीन, उसके बाद से सिंगिंग वी फोर कर देंगे, सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है, सी विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। तो ये आपका रहा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। इस तरह के वाक्य जो होते हैं यह स्ट्रक्चर किसका है जी, अफर्मेटिव सेंटेंस का है, ठीक है, और ये वाक्य अफर्मेटिव कहलाता है जिसमें सकारात्मक वाक्य इसका यूज होता है। तो इसे आप लोग जो है बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और जो है इससे संबंधित कोई चीज आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे जरूर बताएंगे, और यदि मेरे चैनल के नए हैं तो आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप तक सब वीडियो पहुंचता रहे। तो चलिए आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे, तब तक के लिए गुड बाय।